अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ आयशा जुल्फिकार। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। शरीफ बरादरान मेरे साथ जेल में रहे हैं, अंदाजा है ये कितने बहादुर हैं, सदर आसिफ अली जरदारी ने बता दिया। भारत कश्मीर समेत हर मसले पर बातचीत के लिए तैयार है, वजीर आजम ने पार्लियामेंट को बता दिया। सदर के दौरे से पहले एतमाद में लिया जाए चौधरी निसार का मुतालिबा। फैसलाबाद में घरेलू झगड़े के बाद ससुरालियों ने बहू को आग लगा दी, तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुजफ्फरगढ़ के इलाके शाह जमाल में शहरियों का चोरी के शुबे में तीन अफराद पर सरेआम तशद्दुद। लाहौर में दो लड़कियों के अगवा और 50,000 तावान तलब करने पर थाना शादमान के मुहर्रर को गिरफ्तार कर लिया गया। दिफाए पाकिस्तान कौंसिल ने हाफिज सईद के सर की कीमत मुकर्रर करने पर कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। गिलगित में तीसरे रोज भी कशीदगी बरकरार, स्कर्दू में पुरतशद्दुद वाकयात के खिलाफ हजारों अफराद का मुजाहिरा। इस्लामाबाद पोली क्लिनिक के पास सरकारी असेंबली के अद्वियात के फंड्स खत्म हो गए, पार्लियामेंट की डिस्पेंसरी से अद्वियात की फराहमी बंद होने का खदशा। और जर्मनी में दुनिया के सबसे बड़े पार्किंग टावर्स ऑटोमेटिक हो गए, फैक्ट्री से टावर और फिर शोरूम गाड़ी अपना सफर खुद तय करेगी।